उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती है। इसके अलावा वह मुस्लिम समुदाय को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखती हैं। हाल ही में उर्फी ने कहा था कि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर अधिकतर गंदे कमेंट्स मुस्लिम लोगों के होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि वह कभी भी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगी। अब उर्फी जावेद ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल उर्फी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिन्हें उनके सोशल मीडिया फैन पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो में उर्फी कहती है, जो भी चरमपंथी मेरे फोटोज पर कमेंट करते हैं कि मैं इस्लाम पर धब्बा हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए। मेरे कपड़े ये, मेरे कपड़े वो, क्या आप जानते हैं कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिला को जबरन पर्दा कराओ? हाँ, ये जरूर लिखा है कि एक औरत को पर्दा करना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती तो उस पर गालियों की बौछार करो, उसे इतना शर्मिंदा कर दो कि वह खुद ही पर्दे में आ जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मर्दों को पर्दा करना जरूरी है। एक आदमी शादी से पहले औरतों को उस नजरिया से देख ही नहीं सकता है। उर्फी ने और भी ढेर सारी बातें लिखी और आखिर में कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस्लाम को फॉलो ही नहीं करती। अल्लाह का कहना है कि आप जो भी करो उसे दिल से करो। अगर आप दिल से नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ ऊपर जाने के लिए ये कर रहे हैं, आप 5 वक्त की नमाज और जो कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। उसे बेहतर है कि आप किसी इंसान की मदद करें, किसी गरीब की मदद करें और औरतों को उस नजरिए से देखना बंद कर दें। तब कहीं जाकर आप एक सच्चे मुसलमान कहलाओगे। अब आप ही बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे उर्फी की इस बेबाकी पर? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आपकी क्या राय है जिन बातों पर उर्फी ने जमकर हल्ला बोल किया है।